सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन के चोट लगने के बाद भी वो शेनिंग को ढूंढने के लिए उसी जगह पर लड़खड़ाता हुआ चला जाता है जहां शेनिंग और वो मिलते हैं। वहां पहुंचते ही आओचेन को एक जुगनू दिखता है और जब आओचेन उसे पकड़ता है तो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तभी वहां शेनिंग पहुंच जाती है और वो आओचेन को आसमान में ही पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ लीडर हान असेसिन टेम्पल आ गए थे क्योंकि शेनिंग ने यांग के ऊपर हमला किया था, इसीलिए वहाँ के लीडर यिंग हान को शेनिंग के बारे में उन्हें बताते हैं। आखिर उसने यांग पर हमला क्यों किया। शेनिंग की सच्चाई सुनने के बाद हान वहाँ से सभी को लेकर चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड 32 की शुरुआत में हम असेसिन टेम्पल के एक गार्ड को देखते हैं जो मास्टर यिंग के पास आकर उन्हें बताता है कि शेनिंग आओचेन को सही सलामत घर ले आई है। यिंग उस गार्ड से यांग के बारे में पूछते हैं कि यांग की अब हालत कैसी है। गार्ड उन्हें बताता है कि यांग को चोटें तो काफी ज्यादा लगी है लेकिन वो चोटे जानलेवा नहीं है, वो कुछ समय आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। यिंग गार्ड से कहते हैं कि असेसिन टेम्पल और नाइट्स टेम्पल की काफी अच्छी दोस्ती है, ये खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो गार्ड को टेम्पल प्रिस्ट को बुलाने को कहते हैं। दरअसल मास्टर यिंग यांग की मदद करना चाहते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि वो चाहे जितनी भी कीमत ले, लेकिन यांग की मदद हमें करनी है ताकि हमारी दोस्ती खराब ना हो। मास्टर यिंग यांग को अपने मुकाबले से पहले ठीक करना चाहते थे। मास्टर गार्ड से कहते हैं कि तुम शेनिंग के साथ बहुत समय से ही हो और पूछते हैं कि शेनिंग को आओचेन क्यों पसंद है। गार्ड बताता है कि वो हमेशा से एक महान नाइट बनना चाहता था और वो बचपन से ही बहुत बहादुर है, साथ ही उसका दिल बहुत नर्म है। आओचेन किसी चीज को करने की ठान ले तो पीछे नहीं हटता। आगे वो मास्टरिंग को बताता है कि जब शेनिंग यहाँ से भाग गई थी तब वो आओचेन से मिली थी और अगर वो आओचेन से नहीं मिलती तो शायद शेनिंग उस वक्त मारी जाती और आओचेन की वजह जैसे ही शेनिंग होली लेडी बनने के टेस्ट के लिए वापस आई थी और वो दोनों अलग हो गए थे। गार्ड मास्टरिंग को बताता है कि आओचेन को आज तक शेनिंग की सच्चाई नहीं पता, उसे लगता है कि शेनिंग एक आम लड़की है। लेकिन मैंने आओचेन को देखा है, वो शेनिंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। वो कहता है कि रिलेशनशिप शेनिंग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शेनिंग काफी अकेली रहती है और एक आओचेन ही है जिसके पास रहने पर वो खुश होती है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इसे जाना चाहती है और ये रिलेशनशिप शेनिंग के लिए उसकी अंधेरी दुनिया में उजाले की तरह है। गार्ड कहता है कि इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो अब होगी, मुझे उसके लिए डर है। शेनिंग और उसका प्यार यानी आओचेन कभी न खत्म होने वाले युद्ध की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गार्ड कहता है कि आओचेन शेनिंग को बदल देगा पूरी तरह से और वो अपनी अंधेरी दुनिया से आजाद हो जाएगी। मास्टरिंग कहते हैं कि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। मास्टरिंग गार्ड को शेनिंग के साथ रहने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं यांग से मिलकर खुद माफी मांगूंगा। इसके बाद हम शेनिंग और आओचेन को देखते हैं जहां आओचेन बेड पर लेटा था और शेनिंग उसके पास ही बैठी थी। लेकिन जब शेनिंग जाने लगती है तो आओचेन नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। शेनिंग पीछे मुड़ती है और उसका हाथ नीचे रखकर कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से अपनी नींद पूरी करोगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। वहीं हम आओचेन को उसके सपने में देखते हैं जो खुद को माउंट ओडिन पर पाता है जहां उसके पिता उसे ट्रेनिंग देते थे, जिससे आओचेन खुश हो जाता है। तभी उसकी तरफ बहुत सारे सेलेशियस आने लगते हैं जिससे आओचेन बचने लगता है। तभी वहाँ वो अपने पिता को देखता है जो उसे कहते हैं कि लेवल 5 पर जल्दी पहुँच गए, जिससे आओचेन खुश होता है। फिर उसके पिता उससे उनके साथ लड़ने को कहते हैं, वो देखना चाहते थे कि आखिर आओचेन ने सीखा क्या है। आओचेन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता से लड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत आसानी से आओचेन के वार को रोक रहे थे और लड़ते हुए आओचेन से कहते हैं कि अपनी और ताकत लगाओ और तुम अभी भी अपनी लिक्विड एनर्जी का यूज करना नहीं सीखे। और तभी इसके पिता एक वार करते हैं जिससे आओचेन दूर चला जाता है। तभी चारों तरफ का माहौल बदल जाता है। थोड़ी देर पहले जहाँ दिन था लेकिन वहीं अचानक से रात हो जाती है। जिंगयो आओचेन को उसकी लिक्विड एनर्जी इस्तेमाल करना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी पावर को पानी की तरह महसूस करो और आओचेन ऐसा ही करता है। जिंगयो कहते हैं कि अब इस एनर्जी को हाथों की तरह बहाने की कोशिश करो और आओचेन ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि वो ऐसा कर भी पाता है। आखिर में जिंगयू कहते हैं कि अब उस एनर्जी को अपनी तलवार की नोक पर लेकर आओ और आओचेन बिल्कुल वैसा ही करता है और वो कर भी लेता है और उसके बाद उसे हमला करने को कहते हैं और आओचेन हमला कर देता है। वो हमला इतना तेज होता है कि एक पहाड़ बड़ी आसानी से टूट जाता है। जिंगयू कहते हैं कि मैंने जैसा उम्मीद किया था कि सबसे कम उम्र के लेवल 5 का नाइट जैसा होना चाहिए वैसा ही है। आओचेन अपने पिता से कहता है कि मैं
मैं जल्द ही लेवल 7 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर से आपसे और माँ से मिल सकता हूँ ना। जिंग्यू कहते हैं, क्या तुम मिल सकते हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिंग्यू आगे आओचेन से कहते हैं कि अभी लेवल 5 की शुरुआत है और सफर अभी बहुत लंबा है, और जब तुम लेवल 6 पर पहुंच जाओगे, जब तुम अपने पंखों से आसमान में उड़ पाओगे और जब तुम लेवल 7 पर पहुंचोगे, तब तुम्हारी शाइनिंग बॉडी तुम्हारी रक्षा करेगी, और जब तुम लेवल 8 पर पहुंचोगे, तब तुम्हें स्पिरिचुअल एस्टल मिलेगा जिससे तुम इविल स्पिरिट को खत्म कर सकते हो, और लेवल 9 तक पहुंचने के बाद तुम एक गॉड बन जाओगे। जिंग्यू हाओचेन से कहते हैं कि चाहे तुम जहाँ भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो जगह टूटने लगती है और जिंग्यू वहाँ से चले जाते हैं। हाओचेन ने अपने पिता को बहुत समय बाद देखा था, इसीलिए उनकी तरफ भागने लगता है और जिंग्यू आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं। और तभी अचानक से हाओचेन की आंखें खुल जाती है और वो अपने बेड के पास एक मैसेज देखता है जो कि शेनिंग ने लिखा था। शेनिंग ने लिखा था कि जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, जब तुम फाइनल राउंड में जाओगे, जब हम मिलेंगे। हाओचेन सोचने लगता है क्या कि शेनिंग वहाँ क्या करने आएगी। तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ ये हुआ बैठे थे, जिन्हें देखकर हाओचेन डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर थे और उसने उन्हें शेनिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये हुआ हाओचेन से कहते हैं कि लेवल 5 पर पहुंच गए, यह अच्छा है। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं बचा, ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन हाओचेन उन्हें रोकता है और कहता है कि यह सही नहीं, आप मेरे मास्टर हो। ये हुआ कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, फिर तुम मुकाबले में वो सब क्यों भूल गए थे जो मैंने सिखाया था। ये हुआ आगे कहते हैं, क्या होता अगर तुम्हारा अपोनेंट एक डेविल या डिमन होता। यह सब कहते हुए ये हुआ हाओचेन के आगे चल रहे थे और हाओचेन पीछे होता जा रहा था और नीचे गिर जाता है। ये हुआ उसे कहते हैं कि क्या हो अगर जिससे तुम प्यार करते हो और मुसीबत में फंसा हुआ हो और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो, तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करोगे जैसा तुमने मुकाबले में किया था। हाओचेन कहता है कि मैं लड़ाई करने से पहले अपने सभी साथियों को बचाऊंगा, लेकिन मुकाबले के अंदर में अपने अपोनेंट को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये हुआ कहते हैं कि तुमने जो कहा वो सही है, जाने से पहले तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि अगर तुम मर गए तो सब चीजें खत्म हो जाएगी जो तुमने आज तक सीखी है। जाते हुए ये हुआ हाओचेन को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तलवार टूट गई थी, इसीलिए तुम्हें अच्छी तलवार की जरूरत पड़ेगी। और ये हुआ उसे बताते हैं कि कल फाइनल है। हाओचेन हैरान होता है और कहता है कि क्या कल। ये हुआ उसे बताते हैं कि वो 3 दिन और 3 रातें बेहोश था और रैंकिंग मैच अब खत्म हो गए हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम भी लेवल 5 पर पहुंच गए हो। यह हुआ कहते हैं कि अब तुम्हारे अपोनेंट और ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद हम फाइनल मुकाबले वाले दिन को देखते हैं जहां हम ली जिन और हाओचेन को देखते हैं। ली जिन हाओचेन से कह रही थी आखिर हम फाइनल तक पहुंच ही गए। वही हाओचेन यही सोच रहा था कि शेनिंग ने यह क्यों कहा कि वो फाइनल के दिन उससे मिलेगी, क्या वो सच में यहाँ आएगी। तभी दूर से लिन हाओचेन को आवाज लगाता है। लिन आते ही हाओचेन से कहता है कि मैं सही था, तुम टॉप 3 में जाओगे और जब तुम वहाँ जाओगे तो मुझे जरूर चुनना। तभी ली जिन गुस्से में कहती है कि हाओचेन उसे चुनेगा जो ताकतवर होगा, तुम्हें नहीं। अब लिन कहता है कि अच्छा ऐसा है, यह कहकर वो अपने बारे में बताने लगता है। लिन बताता है कि मैं विश टेम्पल प्रिलिमिनरी राउंड में नंबर 1 रैंक पर हूँ। हाओचेन कहता है कि तुम बहुत ताकतवर लगते हो, मुझे लगता है कि तुम ही टॉप 3 में जाओगे। लिन कहता है ऐसा नहीं है, प्रिलिमिनरी राउंड अलग होता है, लेकिन यहाँ पर किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। यह कहकर वो हाओचेन को अपने साथ ले जाता है और ली जिन देखती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ और भी लोग आए थे जो फाइनल तक पहुँच गए थे। वही हाओचेन यांग को भी देखता है जो उसे ज्यादा कुछ ठीक नहीं लगता, और हाओचेन बाकी लोगों को भी देखता है कि कौन कौन यहाँ है। साथ ही वो फिर से शेनिंग के बारे में सोचता है और कहता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आएगी। तभी वहाँ असेसिन टेम्पल के लोग आ जाते हैं, सभी बातें करने लगते हैं उनके बारे में कि असेसिन टेम्पल वाले बहुत कम बाहर निकले हैं, और कुछ लोग बोलते हैं क्या 9 ही लोग आए हैं। तभी पीछे से कई सारी शेनिंग तेजी से अंदर आते हैं और चारों तरफ बैठ जाते हैं और फायर क्रेकर से शेनिंग का स्वागत करते हैं। और शेनिंग अंदर आती है तभी सभी शेनिंग को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि एक लड़की थी और सभी ने सोचा था कि वो कोई लड़का होगा, और साथ ही शेनिंग देख भी नहीं सकती थी। हाओचेन भी शेनिंग को देखकर हैरान होता है। शेनिंग अंदर आते ही सबसे पहले हाओचेन के पास जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां उसके पास लीडर हान आए थे और उन्होंने उसे कहा था कि असेसिन टेम्पल के मास्टर ने तुम्हारी खास टेम्पल स्पिरिट को बुलाया है ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ।
और तुम उनसे जो भी चाहो मांग सकते हो। तो यांग कहता है कि मैं उसे हराना चाहता हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेनिंग हाओचेन के पास आती है। हाओचेन सोच रहा था कि मैंने अभी नहीं सोचा था कि शेनिंग की सच्चाई ये होगी। तभी शेनिंग हाओचेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने वादा किया था मैं फाइनल में मिलूंगी। हाओचेन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम भी यहाँ होगी और तुम लेवल 5 की असेसिन होगी। हाओचेन पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। शेनिंग कहती है कि बताने से और नहीं बताने से कुछ भी नहीं बदलेगा। और शेनिंग हाओचेन से कहती है कि मैं जो भी हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही शेनिंग रहूंगी। और ये सब कुछ सभी देख रहे थे। आसमान से पत्ते गिर रहे थे। वहाँ खड़े ली जिन और ली ने देख कर कहते हैं कि अच्छा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये कहकर वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तभी दोनों मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा गलती से किया था। वहीं ऊपर बेटे मास्टरिंग कहते हैं कि इस लड़के में शेनिंग को परेशान किया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हानू से बताते हैं कि अंत तक साथ देना नाइट टेम्पल का 11वां प्रिंसिपल है। तभी मास्टर कहता है कि यह तो गलत है। तभी उसे एक लड़की मारती है, वो भी एक मास्टर थी। वो उसे कहती है कि ऐसी बातें किसी से मत कहो, यह गलत है। वहीं एक ताकतवर मास्टर अपने बगल में बैठी एक लड़की से कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी टीम में एक गंजा लड़का है जिसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उसे मेरी टीम में भेज दो। वो लड़की कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। तभी मास्टरिंग खड़े होते हैं और सभी मास्टर से कहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं इसीलिए ऐसा मत करो। इसके बाद मुकाबला शुरू होने की अनाउंसमेंट करते हैं और कुछ बॉल्स को आसमान में फेंका जाता है और जिसके पास भी एक दूसरे से मिलती हुई बॉल होगी उन दोनों के बीच मुकाबला होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।